हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे आइटम ग्रुप अकाउंट क्रिएट करना। आइटम ग्रुप अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें पहले कंपनी को ओपन करना होगा। मैंने कंपनी पहले ही ओपन की हुई है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसके अंदर मेन्यू के अंदर मास्टर्स में जाएंगे, देन आइटम ग्रुप में जाएंगे। आइटम ग्रुप से पहले हमने आइटम क्रिएट करना सीखा था, आज हम सीखेंगे आइटम ग्रुप। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं अलग अलग कंपनीज़ के एसीज को सेल करती हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आइटम्स के अंदर हमने एसी को डाला था, जैसे कि सैमसंग एसी हो गया 1.5 टन, एलजी एसी हो गया 2 टन, तो इसको हमने आइटम में डाला था। अब ये बहुत सारे एसी हैं, मैं इसको एक ग्रुप में डालना चाहती हूँ, तो मैंने उसके लिए ग्रुप बनाया। मैं आइटम ग्रुप पर जाऊँगी, देन मैं ऐड करूँगी, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी एसी, एयर कंडीशनर, देन मैं एंटर करूंगी अलाइज। में आप कोई नाम शॉर्ट नेम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैं एसी लिख रही हूँ शॉर्ट में। देन प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप का मतलब ये है कि आप इसको, इस ग्रुप को किसी के अंदर डालना चाहते हो या नहीं। मैं नहीं डालना चाहती हूँ तो मैं इसको येस करूँगी, देन एंटर, नो नो एंड सेव। अब मैं इसको बैक कर रही हूँ। मॉडिफाई में आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, देन आप एसी पे क्लिक करोगे। जो भी आपको चेंजेस करने हैं सेलेक्ट करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अब मैं बैक कर रही हूँ एंड लिस्ट में जो भी आपने ग्रुप्स बनाए होंगे वो सारे आपको यहाँ शो होंगे। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, F8 प्रेस करोगे और यस करोगे, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। देखो मैं डिलीट करके दिखाती हूँ, यस किया, देन ये यहाँ से डिलीट हो गया। मैंने लिस्ट पे क्लिक कर रही हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एसी का शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये डिलीट हो गया। जो भी आइटम होती है, आइटम ग्रुप होते हैं या फिर ग्रुप होते हैं या ग्रुप मास्टर्स होते हैं, उन सबको डिलीट करने का यही तरीका है कि आप उनके ऊपर जाओ लिस्ट में, उनके ऊपर जाके सीधा F8 प्रेस करो तो वो डिलीट हो जाता है। अभी मैं बैक कर रही हूँ एंड अभी मैं इसके अंदर वापस से क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ। एसी एंड सेव, बैक करके मैं आइटम्स पे जा रही हूँ। आइटम्स पे जाके जो मैंने लास्ट क्लास में बनाया था आइटम, उस पर जा रही हूँ मॉडिफाई करने। मॉडिफाई सैमसंग एसी का बनाया था, सैमसंग एसी, एंड इसमें मैं इसका ग्रुप चेंज कर रही हूँ। जर्नल जो ग्रुप होता है वो पहले से ही बिजी में दिया होता है। अगर आप इसको सैमसंग एसी को किसी ग्रुप में डालना चाहते हो तो यहाँ से डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और जो मैंने वहाँ पे नाम दिया था वो एंटर करूँगी, तो यहाँ पे आपको शो होगा एसी। या फिर आप यहाँ से क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर F3 प्रेस करोगे तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ वापस से क्रिएट, एयर कंडीशनर, देन सेव, तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हो वापस तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी, देन सेव। तो आज हमने क्या सीखा, आइटम ग्रुप में कैसे हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और लिस्ट को कैसे ओपन करके देख सकते हैं और उसमें से हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूनिट, यूनिट कन्वर्जन एंड स्टैंडर्ड नरेशन। ये इम्पॉर्टेंट है स्टैंडर्ड नरेशन। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।